subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शर्मा एच डी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं जो स्किन की जो डिजीज़ थी उसके लास्ट डिजीज़ के बारे में। इसका नाम है स्केबीज। स्केबीज क्या होता है और स्केबीज किस किस कारणों से होता है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये नई डिजीज़ है स्किन की, तो आज हम पढ़ेंगे स्केबीज के बारे में कि व्हाट इज़ स्केबीज। तो डिजीज़ ऑफ स्किन में तीसरे नंबर की बीमारी है स्केबीज। क्या है स्केबीज? इसका दूसरा नाम है खुजली या खाज। इसे हम क्या क्या बोल सकते हैं? खुजली भी बोल सकते हैं और खाज भी बोल सकते हैं, ठीक है। यह जो रोग है यह एक प्रकार से छूतदार रोग है। कैसा रोग है? छूतदार रोग है। उसके अलावा क्या होता है कि इस रोग को हम सार्कोटिक मेंज भी कह देते हैं। इस रोग को हम सार्कोप्टिक मेंज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सार्कोप्टिक मेंज भी कह देते हैं। यह जो रोग है यह रोग माइट्स नामक एक परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी पशु की त्वचा के अंदर घुसकर अंडे दे देता है। यह 0.5 से 1 इंच की गहराई तक घुसकर अंडे देता है, ठीक है। ये क्या करता है? 0.5 से 1 इंच तक की जो गहराई होती है उस स्किन के अंदर वहाँ घुसकर अंडे देता है। और ये क्या करता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि पशु को एक तो खुजली होगी, भाई अंडे देगा अंदर घुस के, तो जिससे पशु को खुजली होती है। क्या होती है पशु को? खुजली होती है और पशु अपने शरीर को दीवार व पेड़ के सहारे खुजलाता है। क्या करता है? दीवार और पेड़ के सारे खुजलाता है। इस वजह से जो चमड़ी होती है, जिसे हम चमड़ा भी कह सकते हैं, वह मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? वह मोटी हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि पशु का जो शरीर होता है वह दर्द करता है, यानी कि पशु को अत्यधिक मात्रा में दर्द होता है। ये हो गया स्केबीज की डेफिनेशन।
तो स्केबीज की डेफिनेशन हम दोबारा से पढ़ लें, एक बार समझ लें। तो सबसे पहले जो स्केबीज क्या होता है, इसके खुजलिया खाज भी बोल देते हैं। यह एक छूतदार रोग है, यानी छूने से भी फैल सकता है। ये जो सार्कोटिक मेंज नामक है उससे होता है, इसे सार्कोटिक मेंज भी कह देते हैं। यह रोग माइट्स के द्वारा होता है और ये क्या माइट्स का एक परजीवी होता है, ठीक है। यह परजीवी क्या करता है, पशु की त्वचा के अंदर घुसकर अंडे देता है और यह 0.5 से 1 इंच की गहराई तक घुसकर अंडे देता है, जिससे पशु को खुजली होती है और पशु अपने शरीर को दीवार पेड़ों के सारे खुजलाता रहता है। इस वजह से क्या होता है, तो पशु की चमड़ी होती है, जो चमड़ा होता है वो मोटा हो जाता है और उससे पशु को अत्यधिक मात्रा में दर्द होता है, ठीक है। अब उसके अलावा हम देखें इसका कारण, इसका एक कारण क्या है। तो स्केबीज का जो कारण है वो है, सार्कोप्टस नामक इसका कारण है, सार्कोप्टस नामक परजीवी। क्या कारण इसका, सार्कोप्टस नामक परजीवी। ठीक है, इसका कारण क्या है, सार्कोप्टस पैरासाइट इज द रीज़न ऑफ द स्केबीज, इसकी वजह से यह रोग होता है। इसके अलावा इसका कोई रीज़न नहीं होता। इसके जो नाम है, एक तो है सार्कोप्टस सार्कोप्टिस स्केबीज, दूसरा नाम है इसका सार्कोप्टिस बोविस या वार बोविस या एस स्केबी या वारसुइस। ये मुख्य रूप से किन किन में होता है, काऊ एंड पिग, जिसे हम बोरी बोल देते हैं, कैटल्स बोल सकते हैं, इनमें ये रोग मुख्य रूप से होता है, ठीक है। आगे हम बात करें इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स सभी को पता भी, त्वचा संबंधित रोग है, स्किन पे कुछ चीज़ हो रही है, तो उसे क्या होगा, सबसे पहले तो पशु को क्या होगी, खुजली होएगी, स्किन लाल हो जाएगी, तो स्किन सबसे पहले तो रेड हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है। उसके अलावा क्या होएगा कि पशु के शरीर में खुजली चलती है, दूसरा कारण है खुजली चलना, ठीक है। तीसरा सिम्टम्स का हम बात करें, तो तीसरे सिम्टम्स में क्या होगा कि पशु का जो शरीर के जो बाल होते हैं वो उड़ जाते हैं। इसमें भी इसके बीच में क्या होता है, पशु के शरीर के बाल उड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि दूसरा कारण है इसमें क्या करेगा, पशु इसके सिम्टम्स हैं, पशु पूरे दिन शरीर को क्या करता है, खुजलाता रहता है, पशु पूरे दिन शरीर को खुजलाता रहता है तथा बेचैन रहता है, बेचैन महसूस करता है या रहता है, ठीक है। उसके अलावा क्या कारण हो सकता है इसमें, दूसरा है इसमें पशु खाना पीना छोड़ देता है, खाना पीना छोड़ देता है। अब वो परेशान है, उसे खुजली हो रही, तो कहाँ खाना पीना खाएगा, कहाँ खाएगा खाना पीना, और पशु क्या करेगा, बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाएगा इस वजह से, और पशु इस वजह से बिल्कुल वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। ये हो गए इसके सिम्टम्स। आगे हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट से पहले इसका डायग्नोसिस देख लेते हैं। तो डायग्नोसिस में वही आएगा, डायग्नोसिस में तो कुछ मेन बात तो है नहीं, वही हिस्ट्री और सिम्टम्स और स्किन को देख के पता चल ही रहा है कि भाई क्या चीज़ है। उससे पहले हम नोट डाल के कुछ चीज़ देख लें, नोट डाल के कुछ चीज़ देखें। तो उसमें सबसे पहले तो क्या होगा कि भेड़ बकरी में तो क्या होता है, ये मुँह पे होता है इसके भी, ठीक है। और जो सुअर होता है उसकी सूंड में होता है, सुअर की सूंड या स्नॉट में,
ठीक है। और गाय भैंस होती है उनमें जांघ के अंदर की सतह, गर्दन के नीचे या फिर पूंछ के आधार भाग में। गाय भैंस में कहाँ होता है ये? जांघ के अंदर, गर्दन, सीने यानी कि छाती बोल देते हैं जिसे, और पूंछ के आधार भाग पर, ठीक है। उसके अलावा घोड़े और वो जो ऊँट होता है उसके अंदर सिर व गर्दन पे होता है। घोड़ा व ऊँट में सिर व गर्दन पर कहाँ होएगा? सिर व गर्दन पर होएगा। अब हम इसके बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसका सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट इतना ही है, सबसे पहले इसमें हम देंगे पशु को एंटी हिस्टामिनिक। कौन से ड्रग देंगे पशु को? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देंगे। एंटी हिस्टामिनिक में ड्रग देंगे, इंजेक्शन आएगा आइवरमेक्टिन, ठीक है। आइवरमेक्टिन का जो इंजेक्शन होता है वो 1 ml 50 kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लगता है। किसके अकॉर्डिंग लगता है? बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लगता है। 50 kg 1 ml कैसे लगता है? सबकट यानी कि सब कुटेनियस लगेगा, यानी कि स्किन के अंदर लगेगा। ये क्या करेगा? जू, चीचड़, वर्म्स यानी कि कृमि सबको मार देता है, और यह एक प्रकार से एंडो व एक्सोपैरासाइट को मारती है। जो ड्रग है एंडो व एक्सोपैरासाइट दोनों को मारती है आइवरमेक्टिन, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे हम पशु को? इंजेक्शन देंगे, भाई स्केबीज रहता है तो इसका इंजेक्शन देंगे हम इसको स्केबीजिन। स्केबीजिन का इंजेक्शन दे देंगे 3 ml इंट्रा मस्कुलर। ये बात याद रखना, स्किन से रिलेटेड अगर कोई डिजीज हो रही है और अगर उसमें कोई इंजेक्शन लग रहे हैं तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लगते हैं और बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं, वो अनलिमिटेड नहीं लगते, ठीक है। ये नहीं कि हम 15-20 ml ठोक दिए, ये लिमिटेड लगते हैं, बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ही कम डोज बहुत पूरे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती है। ये नहीं है कि भाई एक साथ ही कितनी भी लगा दें, ठीक है। उसके अलावा हम स्प्रे आता है, एक तो आता है टिक स्प्रे जो टिक्स को मारेगा, उसके अलावा जो दूसरा स्प्रे है वो है मैथोरिन। दूसरा स्प्रे है मैथोरिन, ठीक है। ये स्प्रे लगाएंगे तो पशु को क्या होगा? थोड़े शरीर पे आराम आएगा, वो जो मैंस है, खुजली है, सार्कोप्टिस जो परजीवी है वो शरीर से निकल जाएंगे, शरीर के अंदर ही जहाँ पे स्किन पे उन्होंने अंडे वंडे दे रखे हैं वहाँ पे मर जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे पशु को? जो इंजेक्शन आता है एक आइसोफ्लूड, आइसोफ्लूड का इंजेक्शन आता है वो भी दे सकते हैं। ये क्या कर दिया क्या है? हैवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है, हैवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है। ये क्या करती है? ये इंजेक्शन हमें कम से कम देना है पशु को 10 ml इंट्रा मस्कुलर। कितना देना है? 10 ml इंट्रा मस्कुलर देना है। लेकिन ये याद रखना है कि ये जो इंजेक्शन है आइसोफ्लूड का, ये प्रेग्नेंट में नहीं लगाते हैं। अगर प्रेग्नेंट में लगा दिया और अगर इसको लगाना ही है तो IV भी नहीं लगाना। अगर हम इसको IV लगा देते हैं तो पशु की डेथ हो जाती है। IV नहीं लगाते इसे और प्रेग्नेंट में नहीं लगाते, और हो सकता है तो ये इसको बहुत ही कम लगाते हैं। इसे कहा जाता है कि लाइफ में एक बार लगाया जाता है पशु को, अगर दोबारा लगा देते हैं तो डेथ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बहुत ही हैवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है, क्योंकि जो हैवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग होगी वो क्या करेगी? सीधा हार्ट पर अटैक करेगी, हार्ट को अटैक करेगी, तथा हार्ट जब पैनिक होगा, माइंड जब पैनिक होगा, हार्ट पैनिक होगा तो क्या होगा? पशु की डेथ होगी, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएंगे जिससे पशु की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारी जो वीडियो कंप्लीट होती है और आज का हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है स्केबीज। तो आप सभी को वीडियो कैसे लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपका टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो सके और आप हमारी क्लासेस कंटिन्यू लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।